हाय दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मासिक शिवरात्रि, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को पड़ती है और इसकी महिमा अनंत है। दोस्तों, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ कि भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन अपने मुखारबिंद से कर सकूँ, क्योंकि मुझमें तो एक क्षण मात्र बिल्कुल भी वो शक्ति नहीं है, वो दिव्यता नहीं है कि मैं भगवान भोलेनाथ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत ही नीच प्राणी हूँ कि मैं भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर सकूँ। जब बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि उनकी महिमा का वर्णन करने में बिल्कुल ही भी असंभव है उनके लिए। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप उन उपायों को करेंगे और मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको शिव की कृपा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों पर इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं कि पूरे संसार में, तीनों लोकों में ऐसे कोई भी देवता नहीं है, और इसीलिए उनको भोले कहा गया है। दोस्तों, वो अपने भक्त को भगवान होने तक का वरदान दे देते हैं कि उनका भक्त ही उनको मारने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद फिर वो उसको क्षमा कर उसको वरदान देते हैं, तो उन जैसा कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया कि इंसान को भगवान भोलेनाथ के शरण में जरूर जाना चाहिए। कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, आप एक बार भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में जाकर जरूर जाएं। कहा गया है कि ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने मात्र से इंसान का मुख पावन तीर्थ स्थल के समान हो जाता है और उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। वो संसार में इतने पाप अपने जीवन काल में नहीं कर सकता जितनी एक बार ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। तो सोच सकते हैं आप कितनी महिमा है। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत आप किसी भी शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि आती है उसके बाद से आप शुरू कर सकते हैं और निरंतर रह सकते हैं। हर महीने पड़ती है दोस्तों, और आप संकल्प ले सकते हैं और उसके बाद आप सुबह, जिस दिन मासिक शिवरात्रि हो उस दिन सुबह उठकर आप जल में काले तिल डालकर हर हर गंगे बोलकर और महामृत्युंजय मंत्र का मन में जाप कर सुबह उठिए प्रातःकाल और भगवान की विधिवत पूजा कीजिए, बेलपत्री से, धूप, घी, नैवेद्य से, और आप अपनी दुख, जो भी आपकी मनोकामना है, दुख को दूर करना चाहते हैं, आरोग्यता पाना चाहते हैं, परिवार में खुशी लाना चाहते हैं, शिव कृपा पाना चाहते हैं, तो इस व्रत का संकल्प कीजिए और रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जो महाशिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि के बाद से अगले महीने से, जस्ट जैसे आपकी महाशिवरात्रि आई और उसके जस्ट बाद अगले महीने में ही जो शिवरात्रि आएगी तब से आप रहना शुरू कर दीजिए और निरंतर एक साल तक आप रहते रहिए। संकल्प लीजिए, फिर उसके बाद उद्यापन कर दीजिए दोस्तों, और बहुत ही पावन, चमत्कारी और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का बहुत ही आसान उपाय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जितनी जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी दोस्तों और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो भोलेनाथ की शरण में आप जरूर जाइए और उस व्रत, इस व्रत को, मासिक शिवरात्रि के व्रत का पूजन कीजिए और निरंतर करिए एक साल तक, और आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे उन एक साल में कि आप खुद देखेंगे। भगवान आपको स्वप्न में साक्षात दर्शन देंगे, आपके सभी दुखों को दूर करेंगे, बस आप अपने मन को पवित्र कर दोस्तों, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप व्रत में कभी भी गुस्सा मत करें और खुशी मन से रहें, बिल्कुल किसी पर आप गाली गलौज बुरा मत सोचें, किसी को बुरा मत बोलें, किसी को भी बुरा मत कहें, इससे आपका मन पवित्र होगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लग जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपके सभी रोग दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस व्रत को करने के आप YouTube पे देख लीजिए, बहुत सारे नियम हैं, विधि हैं, आप एक बार YouTube पे सर्च कीजिए मासिक शिवरात्रि, पूरा नियम, विधि, व्रत, पूजन सब कुछ आ जाएगा, उद्यापन का तरीका, और आप इस व्रत को कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाइए। मेरी आपसे यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ अभी दबा लीजिए
अगर अभी तक नहीं दबाया और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। हमारा बस आपके माध्यम से घर घर तक सनातन सभ्यता को पहुंचाना है। ओम नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री शंभू।